हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लकी ब्लॉगर में। आज मेरे सामने है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली एंड 100 सीसी के अंदर आने वाली मोस्ट पॉपुलर बाइक जो कि हीरो की तरफ से आती है एंड जिसका नाम है द ऑल न्यू 2022 हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, जिसे कंपनी ने बहुत सी न्यू अपडेट के साथ में मार्केट में पेश कर दिया है एंड जिसमें अब आप लोगों को बहुत से न्यू एक्सटेक वाले फीचर्स, फंक्शंस, न्यू स्पेसिफिकेशंस, देन एक अच्छा माइलेज देखने को मिल जाता है, वो भी बेस्ट प्राइस के साथ में। साथ ही साथ अब आप लोगों को इस बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो पहले से और भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आज मैं इसी का एक डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल एंड लुक से, जो कि बहुत ही मस्कुलर लग रहा है देखने पर, पहले से और भी ज़्यादा बेहतर लग रहा है देखने पर। फ्रंट में आप देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लू फिनिशिंग के साथ में आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वाइजर के ऊपर, जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रहे हैं। एंड नीचे आपको शॉर्ट DRL देखने को मिलती है जो कि LED है, अपडेट के साथ में आ गई है। हीरो स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग देखने को मिलती है एंड फ्रंट में ही आपको बॉक्सी शेप वाली हेडलाइट यूनिट देखने को मिलती है हैलोजन बल्ब के साथ में, जो कि स्प्लेंडर प्लस की ओल्ड पहचान है। हेडलाइट के नीचे नंबर प्लेट का स्पेस देखने को मिलता है एंड फ्रंट में जो आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं वो हैं क्लियर लेंस वाले, जो कि फ्लेक्सिबल हैं, जिसके अंदर आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं एंड ये भी ओल्ड इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत ही ब्राइट हैं। एंड फ्रंट में आपको जो मेडगार्ड यूनिट देखने को मिलती है वो भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिलती है पूरी एंड बैक से थोड़ी सी स्लिम की गई है, जिससे लुक जो है वो इन्हेंस हो जाता है फ्रंट से देखने पर और बहुत ही मस्कुलर लुक आता है, जो कि अपडेट के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने पर। एंड अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड से भी आपको बहुत ही आई कैची मस्कुलर लुक देखने को मिल जाते हैं। टैंक के ऊपर आप देखेंगे तो क्रोम फिनिशिंग के साथ में हीरो का लोगो देखने को मिल जाता है एंड ग्लॉसी ब्लू फिनिशिंग के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही स्पोर्टी लग रहे हैं देखने पर। एंड नीचे आप देखेंगे तो पावर स्टार की बैजिंग लिखी हुई है FI के साथ में। सीट के नीचे स्प्लेंडर प्लस की सिल्वर फिनिशिंग में बैजिंग है एंड एक्सटेक की बैजिंग देखने को मिलती है ग्राफिक्स के साथ में, जो कि न्यू मॉडल के साथ में अवेलेबल है। बैक साइड में I3S की बैजिंग यूज़ की गई है। एंड अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ, तो रियर से भी आपको सेम ओल्ड मॉडल की तरह ही देखने को मिलता है, जो कि बॉक्सी शेप टेल लाइट यूनिट के साथ में आता है हैलोजन बल्ब के साथ में। एंड ऊपर साइड हीरो की बैजिंग देखने को मिलती है, सेम फ्रंट के जैसे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं फ्लेक्सिबल क्लियर लेंस वाले। टेल लाइट के नीचे नंबर प्लेट का स्पेस है और फाइबर बॉडी का पूरा मेडगार्ड देखने को मिलता है रिफ्लेक्टर के साथ में। एंड ये बैजिंग देखने को मिलती है जो कि रिसेंटली बाइक की मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ में है। एंड अब चलते हैं सेकंड साइड प्रोफाइल की तरफ, तो सेकंड साइड से भी आपको सेम फर्स्ट प्रोफाइल की जैसे ही सब कुछ देखने को मिलता है, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही स्पोर्टी एंड मस्कुलर लग रहा है। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में, तो इस बाइक में आपको 97.2 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OSC BS6 FI इंजन देखने को मिल जाता है, जिसकी मैक्स पावर है 7.9 BHP एट द रेट 8000 RPM एंड जो मैक्स टॉर्क है वो है 8 Nm एट द रेट 6000 RPM पर वर्क करता है। साथ ही साथ आप लोगों को इस बाइक में 4-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, जो कि क्रोम गियर लीवर के साथ में आता है और बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। एंड फ्रंट में आप देखेंगे तो लेग गार्ड देखने को मिलता है क्रोम फिनिशिंग के साथ में, मिडल में सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है मैटी फिनिशिंग के साथ में। एंड अब चलते हैं सेकंड साइड इंजन प्रोफाइल की तरफ, तो सेकंड साइड से भी आपको हीरो की बैजिंग देखने को मिलती है मैटी फिनिशिंग के साथ में, सेल्फ एंड किक दोनों ही का ही ऑप्शन है। रियर के ब्रेक लीवर देखने को मिलते हैं सपोर्टर के साथ में एंड ये एग्जॉस्ट कैटेलेटर देखने को मिलता है काउल के साथ में, मैटी फिनिशिंग का यूज़ किया गया है। एंड ये सिंगल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो कि पूरा मैटी फिनिशिंग के साथ में आता है और बहुत ही स्मूथली वॉइस है। और जो आपको काउल देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है क्रोम फिनिशिंग के साथ में, जिससे साइड का जो लुक है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, अच्छा लगता है देखने पर। दोस्तों इस बाइक में जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो है इस बाइक का मीटर कंसोल, जो कि एक्सटेक फीचर्स के साथ में आता है। फुल्ली डिजिटल मीटर को यूज़ किया गया, बहुत से न्यू फीचर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। नीचे आप देखेंगे तो की का पॉइंट है, जैसे कि ऑन करते हैं ब्राइट लुक के साथ में मीटर कंसोल ऑन हो जाता है। येलो लाइटिंग को यूज़ किया गया है जिसमें आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड डिस्प्ले के सराउंडिंग आपको पूरी क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगती है और डिस्प्ले का जो लुक है वो और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। एंड डिस्प्ले पे ही आपको सभी इग्निशंस देखने को मिलते हैं, जिसमें है स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल इग्निशन, KMPL, एवरेज, ये सभी के इग्निशंस यूज़ किए गए हैं। एंड अगर राइट साइड में भी देखेंगे तो और भी इग्निशन यूज़ किए गए हैं, जिसमें साइड स्टैंड, इंडिकेटर, पासिंग, इंजन, न्यूट्रल और फ्यूल इग्निशन यूज़ किया गया है। नीचे आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के तो मोड का बटन देखने को मिलता है, जिसको प्रेस करके आप देख सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं एंड इसी बटन से आप ब्लूटूथ को भी इनेबल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो USB चार्जिंग का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि राइडर के लिए बहुत ही हेल्पफुली फीचर्स यूज़ किया गया है इमरजेंसी में मोबाइल चार्जिंग के लिए।
एंड दोस्तों इसी डिस्प्ले में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल के सभी मैसेज कॉल्स भी देख सकते हैं डिस्प्ले पर, जो कि ब्लिंक के रूप में आते हैं। एंड साथ ही साथ क्रोम फिनिशिंग के साथ में आपको पूरा हैंडल बार देखने को मिलता है, रॉड हैंडल बार को यूज़ किया गया जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो हाई बीम लो बीम का स्विच है, इंडिकेटर का स्विच है एंड उसके नीचे हॉर्न का स्विच है। ऊपर साइड आपको पासिंग का स्विच देखने को नहीं मिलता इस बार भी। राइट साइड में I3S का स्विच है, सेल्फ का स्विच है एंड डुअल मिरर के ऑप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि शॉर्ट मिरर है एंड ये वाइल्ड मिरर यूज़ किए गए हैं स्पोर्टी लुक के लिए। 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही मस्कुलर लग रहा है, जिसके ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लू फिनिशिंग के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। और जो फ्यूल कैप है वो एक क्लिप फ्यूल कैप को यूज़ किया गया है ओल्ड मॉडल के जैसे। एंड ये सिंगल सीट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल सीट है एंड ये वाइल्ड सीट यूज़ की गई है। एंड इसी पर आपको डुअल टोन की स्टिचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रही है देखने पर। एंड ये आपको पूरा ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाता है, जो कि पैड के साथ में आता है और ये क्रोम फिनिशिंग का यूज़ किया गया, जिसके ऊपर आप अपना लगेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो साइड से कुछ ऐसा प्रोफाइल आ रहा है। दोस्तों अब चलते हैं इस बाइक के फ्रंट ब्रेकिंग पावर की तरफ। तो इस बाइक में आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है 130 Nm की ड्रम ब्रेक, जो कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। राइडिंग के टाइम पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती ब्रेकिंग को लेकर। एंड फ्रंट में ही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं मैटी फिनिशिंग के साथ में, जिसके ऊपर डुअल रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सस्पेंशन रहते हैं राइडिंग के टाइम पर। अभी तक इन सस्पेंशन को लेकर किसी ने कंप्लेन नहीं की है कंपनी में। एंड रियर साइड में जो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं वो आते हैं 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, जो कि सिल्वर स्प्रिंग के साथ में आते हैं और ये भी बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। एंड रियर में भी आपको 130 Nm की ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग पावर को प्रोड्यूस करती है। एंड अब चलते हैं फ्रंट टायर की तरफ और देखते हैं कौन से टायर देखने को मिल जाते हैं इस बाइक में हम लोगों को। तो फ्रंट में आपको TVS के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, जिनका फ्रंट का साइज़ है 80x118 inches, मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ में। और ये जो व्हील्स हैं ये आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर कट्स यूज़ किया गया है। एंड जो टायर की ग्रिपिंग पावर है वो भी बहुत ही अच्छी है। तो अब चलते हैं रियर साइड में भी। तो रियर में भी आपको सेम TVS के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, जिनका सेम साइज़ है 80x118 inches, मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ में। और ये सेम व्हील्स आपको फ्रंट के जैसे देखने को मिलते हैं कट्स एंड डिज़ाइन के, जो कि अच्छे लग रहे हैं देखने पर। एंड टायर की जो ग्रिपिंग पावर है वो भी बहुत ही अच्छी है। एंड अब चलते हैं सेकंड साइड और देखते हैं चैन की प्रोफाइल को। तो यहाँ पर आपको फुली साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है फुट रेस्ट के साथ में, जो कि पैड के रूप में आता है। एंड उसी के नीचे मेटल बॉडी के साथ में पूरा चैन कवर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने पर। ये सिंगल फुटरेस्ट यूज़ किया गया है। एंड ये आपको साइड स्टैंड देखने को मिल जाता है, जिसमें कट ऑफ सेंसर को यूज़ किया गया है, जो कि 2022 की सभी बाइकों में यूज़ किया जाता है, जिससे राइडर की सेफ्टी रहती है राइडिंग के टाइम पर। एंड ये बाइक बहुत ही स्पोर्टी कलर ग्राफिक्स के साथ में आती है, जिसमें कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं ब्लैक एंड ग्लॉसी ब्लू कलर का, जो कि बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बाइक के एक्सशोरूम प्राइस के बारे में, जो कि 2022 का है। इस मॉडल का वो है 73,140 रुपये के अप्रॉक्स में, और जो ऑन रोड प्राइस है वो है 90,000 रुपये के अप्रॉक्स में। एंड इसका जो माइलेज आपको देखने को मिलता है वो है 70 से 75 के बीच में। ओवरऑल बाइक बहुत ही अच्छी है, जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट वाले फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, न्यू फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं, देन एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है स्पोर्टी लुक के साथ में। और ये जो आपको मटेरियल देखने को मिलता है इस बाइक में वो बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर बाइक रिलेटेड कॉन्टेंट आगे देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।